अमन-अमान की सूरत हाल आपके सामने है, पानी का बहरान आपके सामने है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और तमाम सियासी जमातें इस शहर की वारिस खुद को कहती हैं, लेकिन ये शहर लावारिस है। यहाँ पर सड़कें जो मंजर पेश कर रही हैं वो आपके सामने है, अमन-अमान की सूरत हाल आपके सामने है, पानी का बहरान आपके सामने है, बैड गवर्नेंस, ये सब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। इन मसाइल का हल क्या है, इसकी ज़िम्मेदारी किस पर डालें, और क्या ये सारे मामले पॉलिटिसाइज हो रहे हैं या फिर इसकी वजह क्या है, इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं एक्स एडवाइज़र हैं, चीफ मिनिस्टर के सीनियर कानूनदान भी हैं, साबिक तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हैं, मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट साहब। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। सबसे पहले मैं लगारी साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये जितने मसाइल मैंने गिनवाए हैं, मैं आपसे पहले ये नहीं पूछूंगी कि सबका ज़िम्मेदार कौन है, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी आप पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस से मुतमईन हैं जो फ़िलहाल है? नहीं, कभी भी मुतमईन नहीं हो सकते, चाहे वो किसी भी सतह पर हो। हम गवर्नमेंट की कारकर्दगी से, उसकी डिलीवरी से, उसके ऑपरेशन से, उसके काम से, कारकर्दगी से किसी सूरत में मुतमईन नहीं हो सकते, चूँकि उसके नतायज हमारे सामने नहीं हैं। अगर चीज़ें बन रही होती या चीज़ें लग रहा होता कि एक अमल शुरू हो चुका है और जनाब अब इसने आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं लगता है कि चीज़ें शुरू हुई हैं, और मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अल्टीमेटली हालात का जबर ले जाएगा, जो इन्वायरमेंट की प्रेशर है वो ले जाएगा, जो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दबाव है हुकूमतों के ऊपर वो ले जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली अपनी जगह पर है, हमारे सिस्टम की नाअहली अपनी जगह पर है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत को जो काम करना चाहिए था उस सतह पर काम नहीं किया जा रहा है, ये हम समझते हैं। लेकिन ये कि इस शहर को मैंने लगभग, मुझे ये इस शहर अपने होश व हवास में, ये मेरा 60वां साल है कि मैं इस शहर को देख रहा हूँ। जब मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था, मैंने इस शहर को देखना शुरू किया है, और इस शहर के सड़कों को, गलियों को, शाहराहों को, जो हमारे लिए एक संग मील होता था, हमें देखते थे कि शहर क्या होता है, हमने वो देखा है। फिर जब कि जाकर दुनिया में गए हैं तो हमें कराची जैसे और शहर नज़र आए, और हमने कंपेयर किया कि वो शहर जो हमने देखा था शुरू में और ये शहर जिसको हम दुनिया का आज का शहर देख रहे हैं वो कैसा है, तो लगता था कि कराची, वो कराची अच्छा था जो पहले होता था। अब तो कराची मसाइल का गढ़ बन गया है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कारकर्दगी से मुतमईन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।